तो जय माता दी सभी को सबसे पहले, और नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। तो आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए करते हैं आज का अपना ब्लॉग स्टार्ट। जैसे कि नवरात्रे आज से शुरू हैं, तो आज अपना हम पहला ब्लॉग रहने वाला है। पुरमंडल में जाके हम जाएंगे एक देवी माता की जगह पे, जो कि पहाड़ों पे है और पुरमंडल से ऑलमोस्ट 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। तो चलिए चलते हैं वहाँ पे, और मेरे साथ आ रहा है अभी, तो अभी से मिलवाते हैं आपको और चलते हैं फिर। और आज का ब्लॉग काफ़ी मज़ेदार रहने वाला है, और ब्लॉग को पूरा देखें और चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि इन नवरात्रों में मैं अलग अलग जगह पे जाऊंगा। जम्मू की जो भी मतलब देवी माता के मंदिर है यहाँ पे, तो वहाँ पे चलेंगे इन नवरात्रों में और आपको लेके चलेंगे। तो और फाइनल में जो इस संडे संडे आने वाला नेक्स्ट, वहाँ पर हम एक स्पेशल ब्लॉग करेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सबको। एक और बार मैं लग रहा हूँ ब्लॉग का। आज मैं और शुभम भैया कहीं पे जाने वाले हैं, तो परमंडल पहाड़ों में। हैप्पी नवरात्रि पर आपको भी और आपके परिवार को भी। दोस्तों देख सकते हो कितनी ज़्यादा, और ऊपर से ठंडी, नहाने का मन नहीं किया तो भी आ गया। अभी हम आ गए हैं, हम अपनी बाइक जाम पे लगा दी है। तो मैं बता दूं कि आपको भी, आज हम जा रहे हैं मोई माता के मंदिर, और जयपुर मंडल से करीब 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पे है, और ये पहाड़ी जंगल में जाके और पहाड़ों में। तो ये जहाँ का रास्ता मतलब ऐसे कोई पर्टिकुलर एक रास्ता तो नहीं है, काफ़ी अलग अलग रास्ते हैं, कोई मेन सड़क भी नहीं है जाम के लिए। तो आप मोस्ट जो भी लोग अगर जाम इस बारे जगह के बारे में नहीं जानते हैं, तो वो पुरमंडल में आके मोई माता के नाम के मंदिर के नाम से जान सकते हैं। किसी को भी पूछ सकते हैं, दुकानदार को, कोई लोकल किसी को भी, वो आपको आसानी से इस जगह के बारे में बता देगा। और मेरे साथ सुमित है, और अब भी आया, तो इसको सिर्फ लाइक ज़रूरत है। तो चलिए चलते हैं, अभी हमें थोड़ा पैदल चल के जाना जान से, क्योंकि बाइक तो पहुंचती नहीं है, आधे रास्ते तक बाइक आई है, तो अभी आधे रास्ते हमें थोड़ा पैदल चल के जाना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं। तो बाकी बताओ कि नेक्स्ट ब्लॉग में हम कहाँ पे जाएं, और किस जगह की आप किस मंदिर में जाएँ। जम्मू में जो अराउंड जम्मू सिटी के अराउंड 10 से 20 किलोमीटर है जम्मू सिटी के, तो बताएं उन जगहों के बारे में। कोई अच्छी सी अगर जगह है जो मतलब जिसके बारे में अभी इतना लोगों को पता नहीं है। माता मोई माता देवी की, तो इस तरफ ये मंदिर बना हुआ है और काफ़ी खूबसूरत जगह है, और बहुत ही कम लोगों को इस जगह के बारे में पता है। जो पुरमंडल में स्थित है, पुरमंडल से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आप अगर आते हैं पुरमंडल में, तो पुरमंडल में आप किसी को भी पूछ सकते हैं इसके बारे में, किसी भी दुकानदार को वगैरह, और जहाँ के हर एक लोकल को इस जगह के बारे में पता है। और जहाँ पे आएँ काफ़ी खूबसूरत जगह है, और माता देवी का आशीर्वाद है आप हम सब पर, तो और आप पर भी। हमने माता देवी का आशीर्वाद ले लिया, और आप
को भी माता देवी का आशीर्वाद मिल गया। तो चलिए चलते हैं, और क्या बताएं मुझे कमेंट करके कैसे लगी आपको ये जगह, और जब और कभी आप परमंडल में आएँ तो इस जगह पर जरूर विज़िट करें, काफ़ी खूबसूरत है यहाँ पे और एकदम नेचर में, और आपको बिल्कुल एक फ्रेश फील होगा यहाँ पे आके, काफ़ी मज़ा। तो गाइस यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत व्यू आ रहा है, आसपास चारों तरफ पेड़ पौधे और पहाड़ियाँ और नेचर की वॉइस सुनने को मिलती है, और काफ़ी पक्षी वगैरह हैं आसपास, और आप देख सकते हैं यहाँ के पीछे कितना खूबसूरत लग रहा है, और सन बिल्कुल सूर्यदेव बिल्कुल सर पे आ चुके हैं। तो चलिए चलते हैं घर के लिए, और अभी की और सुमित की क्लासेस हैं तो इनको थोड़ा जल्दी जाना था, तो जल्दी चलते हैं घर के लिए और मिलते हैं। तो दोस्तों ये मक्की अभी चुरानी छत के ऊपर, क्योंकि पहले तो बारिश थी, अभी थोड़े दिन से धूप है तो धूप में रखनी है, उसके बाद इसको छिला जाएगा दोबारा से, उसको चुराते हैं छत के ऊपर। ये आ गई है छत के ऊपर, मैंने डोके ला दिए यहाँ पे सारी, अभी इसको थोड़ा सा बिखेर के रखना है, ये अच्छे से डूब जाए तक, एक दो दिन में इसको दोबारा से उतारना पड़ेगा, फिर इसकी सिलाई की जाएगी। गाइस कैसे हैं आप सब, आई होप सब। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग, तो चलिए चलते हैं घर के लिए, मैं ऑफिस से जस्ट अभी थोड़ी देर से पहले फ्री हुआ हूँ, तो चलिए चलते हैं, और बताएं मुझे कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग, और कमेंट करके जरूर बताएं। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं फिर कल के एक और नए ब्लॉग में, तो बाय बाय टेक केयर, और आज लाने के लिए हाथ नहीं है तो बाय।